सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोगों का आ गया, बताओ क्या आंसर आ रहा है। लिबर ऑस्ट्रेलियन से लेके बाकी वेरिएंसेस का क्या आंसर है? ऑस्ट्रेलियंस 13,000 एंडवर्स, राइट, 6,400 एंडवर्स, 6,600 नेक्स्ट, 16,200 एंडवर्स, डन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा अलग सम है। गिवन द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द वेरियंसेस, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, नंबर इन स्टैंडर्ड गैंग, यानी जो वर्क खत्म करना है उसमें हमने एक गैंग बनाई, बैंक ने लूट ली, ठीक है, और उस गैंग में कितने स्किल्ड लोग होंगे? 16, सेमी स्किल्ड 6, अनस्किल्ड 3, स्टैंडर्ड रेट 3:1। तो ये हुआ स्टैंडर्ड का डेटा। अब एक्चुअल नंबर इन द गैंग, एक्चुअल गैंग में कितने लोग आए? 14, 9 and 2, टोटल करो दोनों में 25 होते हैं, 16 + 6 + 3 = 25, 14 + 9 + 2 = 25, यानी 25 लोगों की गैंग स्टेबल है, इंटरनल थोड़ा चेंज है, और एक्चुअल रेट से उनके 4:3:2 और स्टैंडर्ड रेट है 3:1। इन अ 40 hours week, अब जो स्टेटमेंट है वो स्टूडेंट को पढ़ के समझ में लगभग नहीं आता है पर आपको आ जाएगा। द गैंग एज अ होल प्रोड्यूस्ड 900 स्टैंडर्ड आवर्स। अब आपको मैं बताऊं, यहाँ पे स्टैंडर्ड ये था कि ये जगह से लेके ये जगह तक का जो ब्रिज या रोड बनाना है ये 25 लोग मिलके 40 घंटे में बना सकते। स्टैंडर्ड क्या था? 25 पीपल एंड हाउ मेनी आवर्स? 40 आवर्स, तो कितने हुए? 1000 आवर्स, जॉब विल बी कंप्लीटेड। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? 25 लोगों ने 40 घंटे काम किया तो कितना काम हुआ? 1000 घंटे काम हुआ। लेकिन जो आउटपुट निकला उसमें वो पूरा जॉब खत्म नहीं कर पाए, वो कितना जॉब खत्म कर पाए? 90% जॉब ही खत्म कर पाए, समझे? हमारा टारगेट क्या था कि 1000 घंटे में जॉब पूरा खत्म करना है, पर इन लोगों ने 1000 घंटे में जॉब खत्म किया कितना? 90%। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये आइडल टाइम है? तो गलत है, वो गलत है। 1000 घंटे काम किया है लेकिन 1000 घंटे काम करके जो आउटपुट निकालना था वो आउटपुट पूरा नहीं हुआ, 90% ही हुआ, यानी रोड का 10% हिस्सा अभी भी बनाना बाकी है। इससे पहले जो सम किया था हमने, ये वाला सम नंबर 16 जो किया था, इसमें क्या था कि काम 30 वीक्स में खत्म करना, काम खत्म हुआ लेकिन 32 वीक्स में हुआ। तो यहां पर क्या था? काम खत्म हुआ, द वर्क वॉज कंप्लीटेड, इंस्टेड ऑफ 30 वीक्स इट टुक 32 वीक्स, एंड हियर दे हैव डन 1000 आवर्स बट द वर्क इज 90% कंप्लीट। कैन यू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस? ओके, तो हम लोग ने जो 1000 आवर्स का प्लानिंग किया है वो पूरा काम खत्म कर लिया, बट उन लोगों ने 1000 आवर्स में 90% काम खत्म किया है, तो यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड बनेगा, क्योंकि 90% काम खत्म करने के लिए स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए? 900 आवर्स। पूरा काम खत्म करने के 1000 आवर्स थे, 90% काम खत्म करना हो तो 900 आवर्स लगने चाहिए। तो ये ट्रिक समझ में आई? स्टूडेंट्स को वही लगता है जो आपने बोला, क्या आइडल टाइम हुआ? क्या हुआ ये? आइडल टाइम दिया है आपको, बोला है कि वो लोग बैठे रहे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा अजम्पशन नहीं करने का बेटा, समझे? सो हियर इन दिस सिचुएशन दिस
कंसेप्ट विल हेल्प यू टू सॉल्व द एग्जांपल. चलो अब इसका सॉल्यूशन शुरू करें. ठीक है, राइटिंग क्वेश्चन नंबर 18. बस एक बार इसका चार्ट बन गया उसके बाद तो आपको वापस से क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है. मेन होता है वर्किंग नोट बनाना. तो वर्किंग नोट एक बार रेडी हो जाती है उसके बाद आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती. सो क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम्पल स्टैंडर्ड. ठीक है, कि जो भी काम खत्म करना है अपने को उसका ये एग्जाम्पल स्टैंडर्ड क्या है, तो आवर्स में रहेगा और रेट रहेगा. तो वी हैव थ्री बाइफरकेशन, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड. सो स्किल्ड में कितने इंसान है हमारे पास, 16. तो 16 इंटू 40 कितना हुआ, 640. रेट 3, 2 और 1 है. अब सेमी स्किल्ड में देखो कितने इंसान रखने थे, 6. तो वो लोग 6 लोग 40 घंटे काम करते हैं तो 240 आवर्स काम करते हैं. और यहाँ पे 3 इंटू 40 यानी ये लोग 120 आवर्स काम करते तो हमारा ये जॉब पूरा खत्म होता है, यानी रोड यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा बन जाता है. पर एक्चुअल में ये रोड बना कितना, 90% ही रोड बना. ठीक है, तो उसके लिए जो एक्चुअल आवर्स यूज हुए हैं और जो एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉस्ट आया है वो देखते हैं. तो एक्चुअल में स्किल्ड में कितने इंसान के लिए हमने 14, तो 14 इंटू 40 560 आवर्स. रेट इज 4, 560 इंटू 4 कर दो कितना हो गया बेटा, 2240. यहाँ पे 9 है इंटू 4, 360 इंटू 3, 1080. और यहाँ पे 10 लोग, 2 इंटू 40, 80 इंटू 2, 160. तो टोटल आवर्स इन्होंने काम कितना किया, 1000. और कॉस्ट कितना इनका हुआ, 3480. पर इसमें जो आउटपुट निकला वो कितना था, 900 आवर्स जितना. तो वो 900 आवर्स का मतलब स्टूडेंट समझ नहीं पाते और जो आपने बोला वैसा समझ लेते क्या, कि 100 आइडल टाइम नहीं. ये जो काम किया 1000 घंटे में वो काम स्टैंडर्ड में कितने घंटे में होना चाहिए, 900 में वो लिखा है. यानी 900 घंटे का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि 90% जॉब खत्म करने के लिए आपने आवर्स ज्यादा लिए. आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लेबर कॉस्टिंग, पढ़ा है. तो ये क्या है, टाइम टेकन इज मोर देन टाइम अलाउड. व्हाट वाज टाइम अलाउड, 900 आवर्स टू कंप्लीट दिस. व्हाट इज टाइम टेकन, 1000 आवर्स. तो उसको आइडल टाइम नहीं बोलते, उसको पुअर एफिशिएंसी बोलते. क्या बुलाते हैं, पुअर एफिशिएंसी. एग्जाम में भी ऐसा होता है ना, यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर इन 3 आवर्स. 3 आवर्स तो लिमिटेड ही रहते हैं लेकिन पेपर खत्म होता है सिर्फ 84 मार्क्स का या 87 मार्क्स का. तो उसका मतलब आप आइडल बैठे रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, नहीं. दैट इज कॉल्ड पुअर एफिशिएंसी. समझे, अपने ऊपर आया तो ज्यादा समझ में आया. बात तो सही है, बैठे तो नहीं रहते हम लोग. तो रिवाइज स्टैंडर्ड नाउ, ये जो था वो 1000 का था, रिवाइज स्टैंडर्ड बनेगा 900 का और एक्चुअल हुआ है 900. समझ में आ रहा है ना आपको, 90% जॉब इज कंप्लीटेड. आवर्स, रेट, कॉस्ट. सो 1000 का 640 है तो 900 का कितना, 576 इंटू 3, 1728. ओके, 216 इंटू 2, 432. एंड दिस इज 108 इंटू 1108. टोटल 900. टोटल 268. डबल 2 हो गया. अब कौन कौन से वेरियंस, 5 लेबर कॉस्ट वेरियंस. इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, लेबर रेट एंड लेबर टाइम. टाइम वेरियंस के 2 पार्ट हो जाएंगे, लेबर मिक्स वेरियंस एंड लेबर एफिशिएंसी. मेन वाज दिस वर्किंग नोट. ठीक है, स्टार्ट करो.